पुलिस भी खड़ी है यहाँ पर। कुछ हो ना हो दारू ही छूटनी चाहिए इनकी। गुड मॉर्निंग, ये लो अपना निप्पल, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जाओ यहाँ से। बार बार अंदर आ रहा है और मेरा ब्रश मांग रहा है। बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या है वो, क्या कर रहा है? चलो बाहर जाओ, मम्मा के पास जाओ, जाओ जाओ जाओ, चलो बाहर जाओ। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? भगवान से दुआ करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज जो है सुबह सुबह जो है बाहर बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है। सो गाइस, चाइना के नॉर्थ पार्ट में चांगशुन सिटी में और भी बहुत ज्यादा सिटियों में लॉकडाउन लगा हुआ है। हम जो है बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हम घर के अंदर हैं, घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट हमें ऑलरेडी 5 दिन हो चुके हैं घर के अंदर और 1 महीने का राशन मैं पहले लेके आया हूँ, लेकिन कुछ कमियाँ पड़ रही है, कुछ सब्जियाँ कम पड़ रही हैं। अभी आज मैं नीचे जाने वाला हूँ, सोसाइटी से बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ गेट तक जाएंगे, वहीं तक लोग बाहर से छोड़ने के लिए आएंगे, तो वहाँ से हमें जो है सब्जियाँ पिक करनी। सो गाइस, अमन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था यार, क्या कर सकते हैं भाई, छोटा है तो अभी टांग के साथ चिपक जाता है। क्या कर रहे हो? हेलो बोलो, हाय से, हाय अमन, हाय हाय, ये गुड बॉय। अरे यार ये बहुत शरारत करता है यार। क्या आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं क्या? वो भी इस तरह से शरारत करते हैं? बार बार इसको ना ओपन करता है और इसके अंदर सामान डाल देता है यार, ठीक है। ये देखिए, अभी भी इसको मेरा ब्रश चाहिए, ब्रश मांग रहा है। यार ऐसे मत करो यार, मुझे ब्रश करने दो, उसके बाद दे दूंगा मैं, ठीक है। अभी आप बाहर जाओ, मम्मा के पास जाओ, जाओ। देखो भाई, मतलब जैसे जैसे बड़ा हो रहा भाई, वैसे वैसे इसकी जो शरारतें हैं ज्यादा हो रही है। तो मैं ब्रश करना है मुझे अभी। ले 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 ले, पहले तू कर ले ब्रश, कर ले ब्रश, कर लो आप, कर लो ब्रश, कर लो करो। दांत तो है नहीं सारे, दो तो तेरे दांत है, ब्रश करेगा। अरे अपना सामान नहीं छोड़ेगा ये। सो भाई, छोटे बाल रखने का ये फायदा है, बस मुंह धो के थोड़ा सा पानी लगाओ और बस काम हो गया। अमन, ओ हेलो, ओ ब्रश दे दे यार, प्लीज यार, ये ले अपना सामान ले ले, ब्रश दे दे, ये दे दे मेरा वाला ब्रश दे दे, प्लीज दे दे, दे दे। मैं ब्रश करके अभी दे दूंगा ब्रश करके। ये देखिए यहाँ पे योगिता जो है अमन के लिए खाना बना रही है, साथ में आईपैड लगा के रखी है और मूवी भी देखना होता है इसको। पता नहीं आज क्या क्या बना रही है भाई अमन के लिए, सारा टेंशन इसका ही रहता है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं चलता भाई बच्चे को क्या खिलाना है क्या करना है। मेरा काम यही है भाई, जॉब करो पैसा कमाओ और इसका फ्यूचर ब्राइट करो अमन का। दे दे यार, दे दे प्लीज़ यार भाई, दे दे प्लीज़, थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाओ खेलो उधर, मैं ब्रश करके, ब्रश ले यार, ले 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 ले, पकड़ पकड़ नहीं करता आज, ब्रश ही नहीं करता हूँ, निकल जा, आज करूँगा ही नहीं ब्रश मैं, ठीक है। फिर जब तुझे किस करूँगा ना, इतने इतने गंदे मुँह से स्मेल आएगी बेटा, तब बोलेगा तू। सो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है डस्टबिन है और ये बर्तन है घर के, इन सब को जो है ये इकट्ठा कर देता है, और भी बहुत सारा सामान जिनको ये घर में फैला देता है ज़मीन पे। अभी तो हमने थोड़ा बहुत उठा दिया, वो देखिए ढक्कन वहाँ पे पड़ा हुआ है। ये लो बेटा आप इसको बजाओ, बजाओ, ये लो पकड़ो अपना, या अमन इसको बहुत ज़ोर से बजाता है। तो भाई ये बहुत 100 रुपये में मिला था ये। सो मेरे दोस्तों, आज मुझे जो है बिना टूथब्रश किए हुए बाहर जाना पड़ेगा, बिकॉज ये छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसी क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है जो आपके बच्चे कभी सामान ले लेते तो हाथ से छोड़ते ही नहीं है, तो कमेंट में बताना। ये देखिए दोस्तों, आज 14 मार्च है और बाहर स्नोफॉल हो रहा है। आज जो टेम्परेचर -1 डिग्री है, एक्चुअली यहाँ पे टेम्परेचर -30 डिग्री तक जाता है भाई, और पूरा दिन स्नोफॉल है। ये देखिए भाई, स्नो कटर जा रहा है, जैसे ही यहाँ पे बर्फ पड़ती है तो ये स्नो कटर से रास्ता साफ कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे किस किस को नज़र आ गया, कमेंट में लिख के बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको इतने दूर से नज़र आ रहा होगा। मैं बहुत दूर से वीडियो बना रहा हूँ, मेरा घर 14th फ्लोर पे है। यहाँ पे स्नोफॉल का मज़ा जो है मैं भी लेना चाहता हूँ, बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन यार वो सामने वाली एक बिल्डिंग है ना, उसमें कोरोना के केस है,
तो इस वाली बिल्डिंग में कोरोना के केस है, उसको बिल्कुल सील कर दिया उन्होंने, ये लोग बाहर नहीं आ सकते। मैं नीचे जा सकता हूँ इस एरिया में, लेकिन सोसाइटी से बाहर मैं भी नहीं जा सकता हूँ। सो गाइस, जो मेरा सामान है, सब्जियां हैं और भी सारा सामान है, तो वो सब कुछ जो है सोसाइटी के गेट तक कोई छोड़ने के लिए आते हैं, जो डिलीवरी बॉय होते हैं, उसके बाद मुझे जो है वहां से पिक करना पड़ेगा आज। अच्छा, अगर ब्रश कर, देख मेरा ब्रश वापस लेगा, मैं तेरे को गोदी में उठा के घुमा लूंगा, ठीक है? हैं, दे दे ब्रश, दे दे यार भाई, प्लीज प्लीज यार, दे दे यार, दे दे यार प्लीज, दे दे यार, दो हाथ जोड़ रहा हूँ और क्या करूंगा तेरे आगे, लेट जाऊं, प्लीज यार, दे दे भाई, दे दे प्लीज प्लीज, दे दे यार, दे दे, ठीक है, जा मम्मो के पास जाओ। मान गया भाई, इतनी आसानी से ये चीज छोड़ता नहीं है, कसम से। इतना गंदा लग रहा था ना, मुंह भी धो लिया, बाहर जाने के लिए रेडी भी हो गया मैं, लेकिन खाना कैसे खाऊंगा यार, ब्रश नहीं करूंगा तो, एक ही ब्रश है मेरे पास। मेरे पास तीन चार ब्रश थे, एक एक करके इसने जो है उसके अंदर डाल दिया टॉयलेट के अंदर, तो मुश्किल होता है। फिर एक बचा के रखा मैं ऊपर करके ना, ये भी अभी गिरने वाला था मेरा नीचे। सो गाइस देखो, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि मैं चाइना में रहता हूँ, लेकिन मैं भाई ये चीज यूज करता हूँ, बहुत बेस्ट है सच में बताता हूँ। इंडिया के जितने भी लोग हैं भाई, डाबर के प्रोडक्ट्स को अपना यूज करो, जो पुराने थे, दंत मंजन है ना, मैंने कहता कि डाबर का ही यूज करो। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो आप लोग बोलेंगे भाई भाई प्रमोशन कर रहा है। कोई और भी प्रोडक्ट है जो डाबर की तरह है, आयुर्वेदिक है, उनको यूज करो, कसम से दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। भाई साहब मेरे 32 दांत है, जब से है तब से पूरे के पूरे दांत है, ठीक है, कोई भी कीड़ा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता है। ये प्रोडक्ट ना सच में बढ़िया है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। मम्मा के पास जाओ, आप जाओ, बात करने दो यार, भगवान देवता बात करने दो। देखो 2 साल पहले ये चीज नहीं थी यहाँ। इतना चला के हाथ में कुछ सामान लेके आएगा, उसको ऊपर फेंकेगा, इसको ऊपर आना, ऊपर चढ़ा नहीं जाता ना, अभी ये 1.5 साल का होने वाला है, तो ऊपर चढ़ा नहीं जाएगा, तो सामान फेंकेगा। अब करेगा कि भैया ये सामान दे दो मुझे, अब वो सामान देने के लिए ऊपर बुलाना पड़ता है, फिर इसको खुद से लेना है, ऊपर बुलाओगे फिर नीचे नहीं जाता है। ये कपड़े पहन के तैयार होके नीचे जाऊंगा, मन तो है मेरा, लेके जाऊंगा आप लोगों को, आस पड़ोस में भी दिखाऊंगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपका बिजनेस ठप हुआ होगा, या कुछ लोगों का बिजनेस जो ग्रो कर गया कोरोना के टाइम पे, है ना, जो ऑनलाइन पे थे, अपना यूट्यूब पर बन गए, इंस्टाग्राम पे भी स्टार सेलिब्रिटी बन गए कुछ लोग। मेरी एक खुद की फ्रेंड है, क्लासमेट है, जिसने अभी अपना बिजनेस शुरू किया है, साड़ी का बिजनेस शुरू किया है, मतलब अपना एक, मतलब उसको मुझे लगता है कि हम माँ बहन के लिए देखिए अपने कपड़े खरीदते हैं, अच्छी साड़ियाँ भी खरीदते हैं। तो आप लोग चाहें ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ से क्लिक करके उसके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। करना क्या यार, एक लाइक फ्री का है, सब्सक्राइब फ्री का है। अगर आपको साड़ी खरीदनी है तो आपको जो अमेजोन पे 4-5 हज़ार रुपये की मिल रही है ना भाई, वो आपको वहाँ पे वो बहुत सस्ती मिल जाएगी, मेरे हिसाब से तो आधे रेट में मिल जाएगी, जिस तरह से उसने मेरे से बात की ना, वो एक मतलब बहुत ही सेल्फ इंडिपेंड जो लड़की आप कह सकते हैं है, उसको ये है कि मैंने लाइफ में कुछ करना है। तो हमें जो है ना बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वाली बात को पूरा करना है। अगर आपको कोई भी सामान वहाँ से चाहिए, कोई भी साड़ी चाहिए, बिल्कुल रियल है, कोई भी फेक नहीं है, मैं क्योंकि गारंटी ले रहा हूँ, जो आप पेमेंट करोगे ना वो कभी भी गलत नहीं जाएगी, वहाँ से आपको जो है जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन बिल्कुल रियल प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोस्तों आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को चेक कर लेना, तो मैंने उसकी चैनल का लिंक भी डाल दिया, आप जाके वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तो उसको जो है सपोर्ट हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि देखो सबकी फैमिली होती है, जैसे मेरा छोटा बच्चा, उसके घर पे भी छोटा बच्चा है, उसके भी है ना, तो जॉब तो देखो बहुत मुश्किल होता है इस समय पे, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और जो प्रोडक्ट यार आपको बाहर से 5,000 रुपये का मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट अगर आपको जो है 2,000 रुपये में, 3,000 रुपये में मिल रहा है, तो 2-3 हज़ार रुपये आपके बच रहे। ये देखो ये क्या कर रहा है अमन, यहाँ पे देखो भाई मेरी चप्पल पहनने की कोशिश कर रहा है, उल्टी चप्पल पहनी है। छोड़, आपके पैर में नहीं आएगी बेटा, गिरोगे आप इतने जोर से बूम करके। ये देखो आपका निप्पल गिरा हुआ है यहाँ पे, देखो भाई इसका, इसने शीशा भी गिरा दिया नीचे, यही काम करता है पूरा दिन, उंगली बाहर निकाल मुंह से, देखो एक उंगली डालता कभी दूसरी डालता, निकाल बाहर, धोखे देता हूँ मैं, धोखे देता हूँ, आज आ जा, आ जा, दो बेटा, मैं पहले तो वॉश करना पड़ेगा ना। ओके, सो गाइस हमारे घर पे तो इसी तरह का गंद पड़ा रहता है, क्योंकि यार बच्चा छोटा है तो हर सामान को यहाँ से उठा के उधर कर देता है, उधर से उठा के कहीं और कर देता है, इसी वजह से मैंने देखो इसका घोड़ा भी ऊपर उठा के रख दिया। स्नोफॉल बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, मुझे नहीं लगता कि अभी नीचे जाना सही रहेगा, किसी और दिन जाऊँगा, या स्नोफॉल थोड़ा रुक जाएगा तब जाऊँगा।
देखा दोस्तों, मार्च के महीने में 14 मार्च का दिन है आज। देखा कभी जो मार्च के महीने में ऐसा स्नोफॉल? मैं खुद हिमाचल प्रदेश से हूँ, हिमाचल प्रदेश से, लेकिन मार्च के महीने तक भाई हमारे वहाँ पे भी स्नोफॉल नहीं होता है। मेरे हिसाब से तो फरवरी में होता है, उसके बाद कहाँ होता है। यहाँ पे मार्च अप्रैल तक, मई तक में ठंड होती है, फिर जून में थोड़ा थोड़ा मौसम थोड़ा सा गर्मी आती है, फिर आगे फिर ठंड शुरू हो जाती है। ये देखो भाई कैसे के? देखो ये क्या करता है, इधर से ऊपर चढ़ के फिर से ऊपर जाता है, भगवान जी को यहाँ पे नमस्ते करता है। चलो आ जाओ अमन, जय माती करो, यहाँ पे करो या जय माता करो, जय करो, जय करो, दोनों हाथ जोड़ के जय करो। ये देखो भाई, जय करो अमन, जय करो, यहाँ पे नहीं करेगा आज, जय करो। अच्छा चक्कर लगा रहा है, पता नहीं किसी दिन इसने ध्यान से देख लिया होगा मैं ऐसे मतलब करते हुए यहाँ पे पूजा करते हुए। यहाँ पे हमने भगवान जी की यहाँ पे रखी हुई छोटी सी मूर्ति, भगवान छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटी मूर्ति में भी बड़ा भगवान होता है, भगवान तो भगवान है। तो भाई इसने देख लिया, वो उस दिन से सीख गया, जैसे जैसे मैं करता हूँ पूजा करता हूँ या चक्कर लगाता हूँ, तो वैसे ही ये भी सीख गया, एकदम से करता है, रोज करता है। और बहुत सारे मेरे दोस्त पूछते हैं कि अमन जो है कौन सी वाली लैंग्वेज बोलेगा, तो भाई इसको हिंदी इंग्लिश और चाइनीज सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये तीनों लैंग्वेज बोलेगा, मेरी तरह बोलेगा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही लैंग्वेज बोलेगा ये। तो अच्छा यार, लैंग्वेज सीखने के मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर हम इंग्लिश सीख जाएगा तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाना चाहेगा तो अच्छे से सेटल हो जाएगा। हिंदी सीख के इंडिया में हो सकता है, और चाइनीज़ आ गई तो चाइना में हो सकता है, तो जिस भी देश में जाएगा वहाँ पे ईजी हो जाएगा इसके लिए। तो ये मैंने इसलिए प्लस पॉइंट है, ये बहुत बड़े प्लस पॉइंट है। जैसे मैं चाइना में आया तो मेरे को बहुत ईजी हो जाता है, कहीं पर भी कोई भी बातचीत करने, कोई सामान लेना, कोई भी ठगा नहीं सकता। लकड़ी पे घोड़ा करके, लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा। चलो बैठो, बैठो ऊपर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देख लो हिंदी समझता है ना, लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा थोड़ा। अमन देखो यहाँ पे, दौड़ा 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 घोड़ा, दुम उठा के दौड़ा। ये निकाल दो, ये निकाल दो, दौड़ा 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 घोड़ा, दुम उठा के दौड़ा। ये लो भाई आपका भतीजा सीख गया हिंदी। हाँ, बहुत सारे लोग जो अपने बच्चे को लैंग्वेज सिखाने का कोर्स करवाते हैं अलग से, स्कूल में या कॉलेज में या दूसरी जगह पे, तो मैं बचपन से ही मैंने वो कोर्स शुरू कर दिया। मतलब छोटा बच्चा है तो इसको अभी से, योगिता इससे चाइनीज में ही बात करती है, मैं इससे हिंदी में ही बात करता हूँ, और कभी कभी मैं इसको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स सिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है कि अमन जो है ब्लॉग में होना चाहिए। आने वाले टाइम पे अमन जो है वीडियोस में रहेगा, पहले मैं जॉब पे बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए इसको ब्लॉग में नहीं ले पाता था, लेकिन आगे से ये ब्लॉग में रहेगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको किचन के अंदर चल के दिखाता हूँ कि योगिता ने अमन के लिए क्या खाना बनाया है, क्या रेड कि योगिता क्या क्या कर रही है। मैं अभी किचन के अंदर चल के दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आईपैड पे इसने जो है साउथ कोरिया की मूवी चला के रखी हुई थी हमेशा, और ये अमन का खाना रेडी हो चुका है, और ये मेरा और योगिता का ब्रेकफास्ट यहाँ पे रेडी हो रहा है। हेलो योगिता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, उसकी अभी नींद नहीं खुली, इतना सारा काम कर दिया इसने। ओहो हो, ब्रेड में तो आग लगा दी मैडम ने आज। अभी उसने मुंह नहीं धोया है इसलिए वो कैमरे की तरफ नहीं देख रही है। लड़कियों को तो आपको पता ही है, हमारा तो कोई चक्कर नहीं मुंह धोया हो नहीं धोया हो, ऐसे ही दिखा देते हैं मुंह। ये देखिए मेरी बात को कॉपी करता है, जैसे मैं बात करता हूँ वहाँ पे पीछे से आइए ये कर देता है। क्या बोल रहे हो आप, बोलो अभी बोलो। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि उसी से आपको जो है नोटिफिकेशन आते हैं। जिसने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, हम वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।